गाय देख लो बेइज्जती करती है मेरी, सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप यूट्यूब पे। चाय पी रहे हो तो बिस्कुट मांग रही हो, मैंने कहा बिस्कुट मत खाओ क्योंकि बिस्कुट का मतलब होता है बिस्किट और बिस्किट का मतलब है कि बिस की किट। पर ये है कि धड़कने तेज हो गई थी कसम से, दिल यहाँ आ गया था बिल्कुल, रो देता मैं थोड़ी देर में और नहीं मिलता मैं रो देता। भाई इतने प्यारे दर्शन हुए ना यार, कसम से मतलब दिल खुश हो गया, दिल खुश। कैसे हो गाइस आप सभी लोग, गुड मॉर्निंग। रात हो रही है अभी तो, वैसे रात के 4:30 बज रहे हैं और आज मुझे जाना है नैनीताल, मतलब जाना है किस काम के लिए, पर वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो आप जुड़े रहो, आज का व्लॉग अमेजिंग होने वाला है और मैं जिनके साथ जा रहा हूँ उनसे भी अभी मिलवाता हूँ सबसे, तो जुड़े रहो। तो गाइस अभी अभी तुम ही बोल लो, अभी हमारे साथ बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो गई थी गाइस, भाई पता है इतनी गंदी बसड़ हो गई ना, मैं बता नहीं सकता यार। और सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें, भाई आधार कार्ड पैन कार्ड लाइसेंस सब कुछ उसमें है, बस ये लाइसेंस ही मेरे पास है। गाइस ये तो बोलते रहेंगे, मैं बताती हूँ, मेरे पास सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का नंबर था और मैंने उसको फोन किया, मैं दिमाग चला लेती हूँ यार, और मैंने उसको फोन किया और मिल गया, वो मिल गया, बस इस चीज की मेरे को भगवान से जय श्री राम। यार तो अच्छे लोगों के साथ जाएगा तेरे साथ अच्छा ही होगा। अरे मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचता, तो मेरे साथ क्यों करेगा भगवान बुरा। पर ये है कि धड़कने तेज हो गई थी कसम से, दिल यहाँ आ गया था बिल्कुल, रो देता मैं थोड़ी देर में और नहीं मिलता मैं रो देता एक बार। मैं तो पीता नहीं भाई चाय, भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पीता, नहीं मैं कॉफी पीता, कॉफी यहाँ मिलेगी। अब तुम कहोगे कैपेचिनो अमेरिकानो, दूध में घुसड़ देंगे कॉफी, बताओ पीनी तो ओके करो आप। मैं तो चाय पीता नहीं, लोग चाय पी रहे हो तो बिस्कुट मांग रहे हो, मैंने कहा बिस्कुट मत खाओ क्योंकि बिस्कुट का मतलब होता है बिस्किट और बिस्किट का मतलब है कि बिस की किट। बिस माने जहर, किट माने किट, जहर की किट, बिस्किट नहीं खाओ ये हमारे गुरुजी ने कहा है। क्या चाहिए तुम्हें? फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ, अरे बहुत प्यारा कोटेज है भाई, मेरे रूम से व्यू देखना, ये मेरा रूम है और ये व्यू है भाई, बहुत प्यारा सच में मजा आ गया। अभी दिखाता हूँ पूरा कोटेज, क्रेजी एकदम मस्त, वॉशरूम है, अपार्टमेंट टाइप है पूरा, किचन विचन सब अपना ही है और ये मस्त बालकनी भाई, ओए होए शाम को दो दो पैक चल रहे हो, मजा आ जाए, प्यारे प्यारे सोंदे सोंदे गाने, ओहो फील आ जाए, बाकी बहुत प्यारा है। और अब पहुंच तो चुके हैं, लेट्स सी, वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप सभी लोग, सारे व्लॉगर भरे पड़े हैं आज हमारे साथ और अब टाइम आ गया खाना खाने का, मैं उठ चुका हूं, काफी देर हो गई, एक इंस्टाग्राम की वीडियो बना ली है प्यारी सी, ये देखो महंगे महंगे व्लॉगर अंदर है, भैया हम बनेंगे एक दिन तो बनेंगे ही, गाय देख लो बेइज्जती करती है मेरी, सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा यार बढ़िया करके प्यार दिखाया करो भाई को। और आज का वेदर दिखा रहा हूं आपको, ये देखो भाई कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी बहुत प्यारा है सब कुछ, बस अब खाना खाने का टाइम आ गया, एक रील बनानी थी मेरे को, बना लिया मैंने, ये आ गया खाना, ये बैठा हमारा मॉडल, क्या हाल है, बढ़िया भाई, बूम ब्रो आ गए भैया जी हमारे, बहुत बढ़िया है ये मंडल भैया। तो चलो गाइस खाना खाते हैं और आज का दिन कैसा रहेगा मैं दिखाता रहूंगा आपको, बेफिक्र रहो। एक आउटफिट में तो कर लिया था मैंने सूट, मैंने सैंडो वैंडो पहनी, इसमें भी निकाल ली दो चार फोटो यार, बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे नक्टे हूँ भाई, तो सोच रहा हूँ कुछ कर लिया जाए यार जीवन में, कमा लें हम भी थोड़े बहुत पैसे यार, वैसे तो कुछ नहीं आ रहा मेरे पास, कुछ नहीं मिल रहा, करवा दो यार कुछ, सूट भी वो तो बहुत माल है,
अंबानी के बाद मेरा नाम आता है पता नहीं है देर में, पर ये पैसे आने के बाद बदल जाती है। मेरे को पहले कहती थी जैसे पैसे आएंगे तेरे को 1-2 करोड़ दे दूंगी, ये फिर गायब हो गई है ना। यही तो काम है, यही तो लोग बदल जाते हैं यार पैसे आने के बाद। आओ कुछ दो। हाँ यार चलो यार क्या करें। गाइस तुम्हारा भाई शायरी से लाइफस्टाइल पे आ रहा है। गाइस यार मेरे जैसा बंदा कौन सा, मेरे जैसा बंदा ये देखो भाई 7 बजे एकदम तैयार बैठा नहा धो के, देख रहे हो वो देखो सूर्य का वेट कर रहा हूँ मैं हर बारी का इसका यार बहुत। हाँ ये वेट कर रहा है वो देखो सब तैयार बैठे हर बारी ऐसे करते हैं हर बारी मतलब पहले उठेगी नहीं और फिर रेडी नहीं होगी सबको वेट कराएगी ऐसे करती है। तो भाई मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट से सुरभि आए और फिर हम निकले आगे की तरफ। बुला के लाया जा उसे। अब यार उसको वॉशरूम में थोड़ी चले आऊंगा मैं। नहीं नहीं बोल यार। आजा यार सुरभि आ गई चले। ऐसे कर रहा मेरे वजह से लेट हो रहे हो। और क्या अबे साले कितना झूठा इंसान है और तो ज्यादा सुबह पहले। शर्म नहीं आ रही इसको देख लो शर्म नहीं आ रही। तुझे शर्म नहीं आ रही? कौन उठा था पहले? तू उठी तू है पहले तो लेकिन रेडी तो हो गई। भाई मेकअप थोड़ी करता हूँ मैं, मेकअप करने में 1 घंटा लगता है, एक घंटा मेकअप में। तेरे पास रेडी कौन हुआ? बाहर जो यहाँ रेडी होके निकल गया है उनको रेडी मानूंगी। कितनी बेशर्म यार। एक बात बता ऐसे मैं 4 बजे उठ के टट्टी वट्टी नहीं करूंगा तो ये क्या बात कर रेडी हुआ? ऐसे नहीं होता। चलो भाई चलो चले अब चले रेडी है सब। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम जहाँ के लिए घर से निकले थे। मैंने अभी तक बताया नहीं था बट हम आए हैं कैंची धाम नीप करौली बाबा जी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ भाई बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा भीड़ है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है वगैरह अंदर ही रख दिया हमने सब, बट एक फ़ोन लेके जा रहे हैं 1% कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो। गाइस मैंने जेन्युइन में एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ भी काफ़ी लोग पहचान गए और ये तीनों जने गए हैं वॉशरूम। मैं इनको बोल रहा हूँ जल्दी से होके जल्दी से आना क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत भीड़ है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत बुरा हाल हो रखा है। और चलते हैं फटाफट से जूते स्टैंड पे होंगे यहाँ जूते उतारते हैं, ये लोग आ जाएं फटाफट से फिर आगे बाबा जी के दर्शन करके आते हैं जल्दी से और फिर मिलता हूँ आप सभी से। अभी तक मैंने बताया इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे को ना कंफर्मेशन नहीं थी, मैंने कहा ये ना हो कि मैं बोल दूँ और मैं पहुँच ना पाऊँ क्योंकि इनके बुलावे पर ही है सारी गाड़ी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है भाई। आ गए इधर चलो मिलता है भाई। इतने प्यारे दर्शन हुए ना यार कसम से, मतलब दिल खुश हो गया दिल खुश। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसे दर्शन हो पाएंगे बट मजा आ गया भाई। कैसा लगा सबको? बहुत प्यार। हाँ लग रहा था मतलब दूर से कि बहुत ज्यादा लंबी लाइन है लेकिन लाइन रुकने वाली नहीं थी, बहुत प्यारा दर्शन। और ये तो बता दे सौरभ ने क्या कहा था आने से पहले? सौरभ भाई कह रहे भाई टाइम लगेगा। भाई नींबू पानी पीना? नहीं नींबू पानी तो हम पी ले, हमारे पे कैश ही नहीं है, चारों पे पेटीएम पड़े ना। तो सौरभ ने बोला था अगर इस बार कैची धाम के दर्शन हो गए ना तो मैं तुम्हारा तीर्थ यात्रा वाला दोस्त रहूंगा क्योंकि पिछली बार ये केदारनाथ चले गए। आओ तुम साथ, तुम्हारी बात हो। क्या कहना चाहते हो आप? कौन से दोस्त हैं हम आपके? भाई लोग ना अपने रिश्तेदारों के साथ जाते हैं, अपने मम्मी पापा को भेजते हैं। दोस्तों के साथ लोग जाते हैं क्लब? मैं के साथ जा रहा हूं। दोस्तों के साथ जाते हैं लोग क्लब? केदारनाथ और नीम करौली बाबा, जहाँ कोई नहीं जा पाता वहाँ हम लोग जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा हमारी। और बाबा का बुलावा भी ऐसा होता है कि मतलब चारों को बुला लेते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड। और कोई बातचीत नहीं हुई थी हमारी, कुछ नहीं था, ये बस रात में प्लान बना और सुबह निकल गए हम। बस ये था कि बाबा ने यहाँ पहुँचाना था तो इसलिए रीजन था, यही रीजन था कि हम निकल गए थे, अब पता लगा मेरे को। बट भाई बहुत प्यारे दर्शन हुए, मज़ा आ गया मेरे को तो भाई, रोना आ गया था। और पता ही है फिर आपको, मैं डेड हो जाता हूँ ब्रो। तो भाई चेकआउट कर दिया हमने, वैसे तो हम कल जाने वाले थे लेकिन हम एक दिन पहले जा रहे हैं क्योंकि मेरी बैंगलोर की फ्लाइट है और सुबह 6:15 की, तो जाके बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलेगा इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकल रहे हैं। चेकआउट हो गया मस्त, और जगह का नाम था जहाँ पे हम रुके हुए थे, नैनीताल से थोड़ी सी ऊपर और मुक्तेश्वर से थोड़ी सी नीचे, डेफोडिल्स। भाई कभी कोई नैनीताल के आसपास आए तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, ज़रूर विजिट करना भाई, मेरे हिसाब से अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया हमें तो। और यहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा है भाई रूम से, बाकी सब कुछ बहुत सुंदर है, कोई कमी पेशी नहीं है, सब कुछ बढ़िया था, सर्विसेज बहुत अच्छी थी, नंदू जी मंडल जी हमारे बहुत ओके थे। चलो जी अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, चले सौरभ भाई घर पे। चलो भाई दर्शन होगा यार सुबह सुबह, इस चीज का एक अलग आनंद है, क्या कहना चाहते हो उस बारे में आप दोनों? मजा आ गया। चलो जी
सक्सेसफुल हो गए। जय श्री राम। तो भाई अब हम चल रहे हैं वापसी की तरफ, बहुत अच्छे सब कुछ दर्शन हो गए थे, मजा आ गया। जय श्री राम बोल दो भाई जी। जय श्री राम। खुशी खुशी आए थे, सेफली खुशी खुशी पहुंच जाएं घर। अब मिलते हैं आपको रस्ते में बीच में। भाई भाई ऑलमोस्ट हम मेरे हिसाब से डेढ़ घंटा तो हो गया होगा मैं ड्राइव करते हुए, डेढ़ घंटे ड्राइव कर लिए। थोड़ा सा ये रेस्ट कर रही है, थोड़ा सा हम कर रहे हैं मतलब पेट पूजा कर रहे हैं हम। तो पता ही है तुम्हें कितना फेवरेट है तुम्हारे भाई के, करारा सा करवा के। और भाई यहाँ के भुट्टे की खासियत पता क्या, मतलब बढ़िया जो लगा मुझे, मैंने आज तक कभी ऐसा भुट्टा नहीं खाया, हरी चटनी लगा के दे रहे हैं ऊपर। भाई अब पैर सीधे हुआ है मेरा, 7 घंटे से नॉन स्टॉप चला रहा हूँ। सारे शक्ल देखी अपनी, तू चलाएगी पहाड़ों पे, तेरे से सीधे रोड पे, सीधे रोड पे चलती नहीं इससे पहाड़ों पे चलाएगी। भाई भूख लग रही है बड़ी तेज यार, कुछ भी खिला दो बीकानेर वालों। ओहो हाँ भाई पलटना मत बस, बाकी सब ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या मिलेगा, उस हिसाब से खींचते हैं बिल्कुल ना कुछ। भूख लग रही है यार बहुत ज़्यादा तेज, जल्दी से खाना दे दो। भाई मैं आ चुका हूँ घर, आप सोच रहे हो कि सेम कपड़े पहन रखे हैं, हाँ ये मैंने सेम ही कपड़े रख रखे थे। मैं होटल में रुका हुआ हूँ अभी और मेरी सुबह सुबह की फ्लाइट है बैंगलोर की। भाई शरीर दुखा हुआ है ना, मतलब पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीधा करना चाहता हूँ मैं अपने पैरों को और सोना चाहता हूँ भयंकर तरीके से, बट मेरे पास टाइम नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का टाइम है। इन 2 घंटों के अंदर मुझे जो भी करना करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उठ के जाना है अभी गौरव भाई से मिलने, क्योंकि मुझे निकलना है बैंगलोर। तो आप सभी लोग जुड़े रहो, यहाँ पे नैनीताल का व्लॉग ख़त्म हो रहा है पर बैंगलोर का व्लॉग मैं शुरू से बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, तो जुड़े रहना गाइस। आई लव यू ऑल सो मच दैट यू नो। अगर नए हो चैनल पे, पहली बार आया व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप पुराने वाले हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और एक छोटा सा लाइक छोड़ देना, जिससे तुम्हारे भाई को लगता है कि हाँ यार सब लोग देख रहे हैं और बनाना सफल हो रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, और जल्दी आएगा अगला व्लॉग भी।